डियर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एम आर एस स्टडी में तो डियर जैसा कि आपको पता है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे तो इस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग वाटर क्वालिटी में केमिकल पैरामीटर्स देख रहे थे जिसमें आपका अगला है हार्डनेस हार्डनेस जो है ये कंसनट्रेशन ऑफ मल्टी वैलेंट मेटेलिक आयन को डिफाइन करता है मल्टी वैलेंट मेटेलिक कटाइन मोस्टली अबंडेंट हमारा होता है जो नेचुरल वाटर होते हैं उसमें जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम ये सभी जो है नेचुरली प्रेजेंट होते हैं जो कि मल्टी वैलेंट मेटेलिक कटायंस होते हैं और भी कई सारे आयन्स प्रजेंट होते हैं वाटर के अंदर जो कि हार्डनेस को काउज करता है यानी लीड करता है जैसे Fe2+, Mg2+, यानी आयरन आयन और मैग्नीज आयन बट आर फाउंड इन मच स्मॉलर क्वांटिटी, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है हेंस फॉर ऑल प्रैक्टिकल परपसेज हार्डनेस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ कैल्शियम और मैगनीशियम आयन क्योंकि जो आयरन और मैग्नीज़ होते हैं इसका जो क्वांटिटी होता है मात्रा जो होता है कम होता है इसलिए इसको प्रैक्टिकल यूजेज़ के लिए या प्रैक्टिकल पर्पस में जो हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है वो सिर्फ कैल्शियम और मैग्नेशियम ही का आयन ही करता है हार्डनेस का जो परमिशिबल लिमिट होता है वो पचहत्तर से 200 सौ होता है रेंज की बात किया जाए तो 75 पी से अगर कम है तो सॉफ्ट वाटर होगा है ना एक तरफ रेंज और एक तरफ टाइप्स ऑफ वाटर दिया गया अगर 75 से 200 सौ तक है तो मॉडरेट वाटर होगा यानी ना ज़्यादा हार्ड होगा और ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा बीच बीच वाला होगा और अगर दो सौ पी से ज़्यादा है वाटर में हार्डनेस तो वो हार्ड वाटर कहलाएगा कैसा वाटर कहलाएगा हार्ड वाटर अदर स्केल ऑफ हार्डनेस की बात किया जाए तो ऑन ब्रिटिश स्केल एक पी पी एम इज इक्वल टू होता है चौदह पॉइंट टू फाइव पी पी एम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये ब्रिटिश स्केल पे होता है जैसे आप लोग जानते होंगे अभी मैं ये वीडियोस 2023 में आप लोगों के लिए ला रहा हूँ तो 2023 में अभी जनवरी चल रहा है तो इस जनवरी मंथ में एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू एट्टी वन रुपीज़ है ठीक है तो एक डॉलर इज इक्वल टू एट्टी वन रुपीज़ है यही अगर दो चौदह के आसपास की बात किया जाए तो एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू साठ रुपीज के आसपास था तो ये जो डिफरेंसेस है ये यूएस डॉलर के मेजरमेंट है एक तरीके का कि इतना एक डॉलर इज इक्वल टू इतना रुपीज हो रहा है वही अगर फ्रेंच स्केल पे बात किया जाए तो एक पीपीएम का बराबर होता है दस पी पी एम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये एक स्टैंडर्ड है इसके रिस्पेक्ट में इतना पी पी एम जो है इतना हो रहा है ठीक वही अमेरिकन स्केल पे बात किया जाए तो एक पी पी एम ऑन अमेरिकन स्केलेल जिकॉल्ट होता है सत्रह पॉइंट वन फाइव पी पी एम एज कैल्शियम कार्बोनेट टाइप्स ऑफ हार्डनेट की बात किया जाए जिसमें टोटल हार्डनेस लिया जाता है वो दो तरीके का हार्डनेस होता है एक होता है कार्बोनेट हार्डनेस और एक होता है नन कार्बोनेट हार्डनेस कार्बोनेट हार्डनेस जो है ये पाया जाता है या ये रिप्रेजेंट करता है जब वाटर में कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसका कैल्शियम या मैग्नीशियम का प्रेजेंट रहता है तब और ये जो हार्डनेस होता है कार्बोनेट हार्डनेस इसे रिमूव करते हैं सिंपली पानी को बॉयल कर देते हैं गर्म कर देते हैं तो जो कार्बोनेट हार्डनेस होता है ये खत्म हो जाता है लेकिन जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है ये प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन सल्फर ओ माइनस एंड एनोथ्री या एसोफ SO फोटू माइनस या क्लोरीन आयन्स इन सभी के प्रजेंस के कारण से हमारा जो है कार हार्डनेस जो है वाटर में आता है इस तरह का जो हार्डनेस है यानी जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है इसको सिंपल बॉइलिंग करेंगे तो भैया नहीं होगा ख़त्म इसको ख़त्म करने के लिए स्पेशल टेक्निक का प्रयोग करते हैं और उस प्रोसेस को कहा जाता है सॉफ्टनिंग प्रोसेस उसको क्या कहा जाता है सॉफ्टनिंग प्रोसेस और ये जो हार्डनेस होता है ये परमानेंट हार्डनेस कहलाता है लेकिन वही अगर बात किया जाए कार्बोनेट हार्डनेस की तो ये टेम्प्ररी हार्डनेस होता है इसको लिख सकते हो टेम्प्ररी टेम्प्ररी हार्डनेस ठीक है इसको टेम्प्ररी हार्डनेस कहा जाता है आयन एक्सचेंज मेथड जियोलाइट मेथड डी मिनरलाइजेशन ये सभी जो है मेथड्स हैं जिसकी मदद से जो परमानेंट हार्डनेस है उसको ख़त्म किया जाता है तो टोटल हार्डनेस इन टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन एमजी पर लीटर इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन गुने इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कैल आयन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम आयन जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका अगर इक्विवेलेंट वेट की बात किया जाए तो पचास होता है कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन जो है एम पर लीटर में लेकर चलते हैं ठीक है और जो इक्विवेलेंट वेट होता है कैल्शियम आयन का वो बीस होता है इक्विवेलेंट वेट जो होता है मैग्नीशियम आयन का वो बारह होता है ये आप याद रखिएगा यहाँ पे नोट पॉइंट है कि अगर टोटल हार्डनेस अगर टोटल हार्डनेस जो है छोटा या बराबर हो किस से एल्कलीटी से तो उस कंडीशन में कार्बोनेट हार्डनेस जो है टोटल हार्डनेस के बराबर होगा और अगर टोटल हार्डनेस बड़ा है एल्कलीटी से तो कार्बोनेट हार्डनेस जो है इक्वल होगा एल्कलिनिटी के ठीक है ये आप याद रखिएगा ये दो पॉइंट जो हार्डनेस होता है इसका कारण से क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो इसके कारण से भाई कि जो साबुन का कंजम्पशन है सोप का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है साथ ही साथ जो पानी है जब भी हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं तो थोड़ा कड़वापन नज़र आता है और जब खाना बनाते हैं उस पानी का यूज करके तो जो खाना होता है उसमें ज़्यादा कुछ अच्छा स्वाद हमें देखने को नहीं मिलता है यानी फूड टेस्ट लेस हो जाता है जब हम लोग हार्ड वाटर का यूज करके खाना बनाते हैं मैग्नेशियम हार्डनेस जो है ये प्रोड्यूस करता है इफ़ेक्ट ऑन लीवर ऑफ बॉडी बॉडी में जो लीवर है उस पर इफ़ेक्ट करता है जिसके कारण से टैक्साटिव है ना लैक्साटिव इफेक्ट कहा जाता है किसके कारण से होता है मैग्नीशियम का जो हार्डनेस होता है उसके कारण से मेजरमेंट की बात किया जाए तो इसको मेज़र किया जाता है ई डी टी ए मेथड के द्वारा ई का मतलब होता है इथाइलिन डाईमीन टिट्रा एसिटिक एसिड इसकी मदद से जो है मेज़र किया जाता है हार्डनेस को प्रजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स और भी कई सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारे वाटर में प्रजेंट होते हैं जिसमें सबसे पहला है क्लोराइड कंटेंट क्लोराइड कंटेंट इन वाटर आर डिराइव्ड मोस्टली फ्रॉम नेचुरल मिनरल डिपोजिट एग्रीकल्चर और इरिगेशन डिस्चार्ज के कारण से वाटर में जो है प्रेजेंट हो जाता है प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इज हाई क्वेंटिटी इंडिकेट्स पॉल्यूशन ऑफ वाटर अगर पानी में ज़्यादा मात्रा में क्लोराइड प्रेजेंट है इसका मतलब बोलेंगे कि पानी जो है पॉल्यूटेड है ड्यू टू सीवेज इंडस्ट्रियल वाटर जिस जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को लीड करता है काउज करता है क्लोराइड्स आर एस्टिमेटेड बाय मोहर्स मेथड मोहर्स मेथड की मदद से क्लोराइड्स को एस्टिमेट किया जाता है कैलकुलेट किया जाता है इन विच रो वाटर यानी जो बिना पका हुआ पानी होता है रॉ वाटर होता है इज ट्रीटेड विद स्टैंडर्ड ए जी एन ओ थ्री सोल्यूशन यूजिंग के टू सी आर ओ फोर यानी पोटेशियम क्रोमेट एज इंडिकेटर के तौर पे यूज करके उसको ट्रीट टाइट्रेट करते हैं अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि रॉ वाटर रॉ वाटर का मतलब कि जैसा निकला वैसा ही उसको ले लिए उसमें किसी तरीके का ट्रीटमेंट किसी तरीके का उसमें रिफ़ाइनरीज किसी तरीके का उसमें केमिकल्स वग़ैरह कुछ भी का यूज़ जो है हम लोग नहीं किए हैं तो उस चीज़ को जो है ये रिप्रेजेंट करता है उस जो क्लोराइड कंटेंट होता है ये परमिटेड होता है कितना दो सौ पचास तक मतलब इससे कम है तब ठीक है अगर इससे ज़्यादा हुआ तो भाई वो हमारे लिए खतरनाक होगा और ये इतना ही खतरनाक हो जाता है कि ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करता है जब रिएक्शन होता है इसका विद सॉलिड्स एंड गैशियस प्रजेंट इन वाटर है ना वाटर में जो सॉलिड्स या जो गैसियस गैसेस प्रजेंट होता है उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूज करता है मेजरमेंट की बात किया जाए तो वाटर कंटेनिंग क्लोराइड्स इज मिक्सड विद सिल्वर नाइट्रेड यानि ए जी एनओ थ्री विच फॉर्म वाइट पीपीटी वाइट प्रिसिपिटिस जो है फॉर्म करता है जो अमाउंट होता है हमारा पोटेशियम क्रोमेट का विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट पी पी टी रेड प्रजेंट क्लोराइड कंटेंट जो भी क्लोराइड कंटेंट प्रजेंट है उसको ठीक है उसके बाद अगला है सल्फेट्स का प्रजेंस वाटर में वेन सल्फेट्स कंबाइंस विद कॉपर एंड मैग्नीशियम प्रोड्यूज लैक्सेटिव इफेक्ट है ना कॉपर या मैग्नेशियम जब कंबाइन करता है सल्फेट के साथ वाटर में तो लैक्सेटिव इफेक्ट को जो है काउज करता है प्रोड्यूस करता है सल्फेट्स प्रजेंस इन वाटर ड्यू टू इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है ना इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के कारण से जो है सल्फ़ेट प्रजेंस हो जाता है यानी मिलता है हमें पानी के अंदर इसके कारण से सल्फ़ेट के प्रजेंस के कारण से डायरिया जो बीमारी है डिजीज़ है वो आपका होता है इसका जो परमिशिबल लिमिट है दो सौ पचास से कम होना चाहिए प्रजेंस ऑफ लीड लीड्स टू एकूमेशन ऑफ टॉक्सिन इन द बॉडी टिश्यूज़ बॉडी जो टिश्यूज़ है उसमें जो है टॉक्सिन का जमाव होने लगता है हमारे शरीर के अंदर इट क्रिएट्स इफ़ेक्ट ऑन लंग्स किडनी पे ये इफेक्ट करता है साथ ही साथ दिल पे भी इफेक्ट करता है दिल को भी खतरा पहुंचाता है जो लीड है इसका परमिशल लिमिट है पॉइंट जीरो वन एम जी पर लीटर या ना ही हो तो ही ज़्यादा अच्छा है अगर हुआ तब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि ये लंग्स पे किडनी पे हार्ट पे, सभी पे जो है हमारा इफ़ेक्ट दिखाता है अपना प्रभाव दिखाता है कि बहुआ हम आ गए शेर शेर है चूहा चूहा है इसलिए हमसे पंगा मत लेना प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक आर्सेनिक का प्रजेंस ही भी हमारे बॉडीज के लिए हानिकारक होता है ठीक है जो कि टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है हमें बॉडी पे इसलिए इसका भी जो परमिशल लिमिट है वो ना के बराबर होता है या फिर अगर हुआ तो पॉइंट जीरो फाइव एम जी पर लीटर यानी ना ही ना, 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 ना के बराबर एकदम जो है लेकर चलते हैं प्रजेंस ऑफ फ्यूरियस यानी आयरन या मैगनीज दिस मेटल प्रोवाइड्स कलर इन वाटर वाटर में कलर प्रोवाइड कर देता है लीड्स टू डी ऑफ क्लोथ और इसके कारण से जो आयरन है या जो मैग्नीज है ये जो प्रजेंस होता है वाटर में इसके कारण से जो हमारा शर्ट वग़ैरह हम लोग जो कपड़ा धोते हैं कपड़ा धोते हैं तो देखते हैं ना कि कलरवा जो है उड़ गया तो ये जो कलर उड़ जाता है ये हमारा किसके कारण से होता है तो ली आयरन या मैग्नीज के प्रजेंस के कारण से परमिशिबल लिमिट की बात किया जाए तो अगर आयरन की बात किया जाए तो पॉइंट थ्री पी पी एम होता है और मैग्नीज़ जो है पॉइंट जीरो फाइव पी पी एम से कम होना चाहिए अगर इससे ज़्यादा है तो भाई ख़तरनाक है ज़्यादा लेकिन हानिकारक हेल्थ को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है प्रेजेंस ऑफ कॉपर इट्स लार्ज क्वांटिटी अफेक्ट लंग्स एंड रेस्पायरेसन प्रॉब्लम सांस लेने में दिक्कत होना या लंग्स को में दिक्कत होना ये कॉपर्स के प्रजेंस के कारण से होता है जब पानी हम लोग कॉपर प्रजेंट वाला पी लेते हैं तब इसका जो परमिशिबल लिमिट होता है पॉइंट ज़ीरो फाइव से लेकर वन पॉइंट फाइव एम जी पर लीटर तक जो है होता है प्रजेंस ऑफ फ्लोराइड्स अप टू वन एम जी पर लीटर हेल्प टू प्रिवेंट डेंटल कैविटी डेंटल कैविटी को हेल्प करने के लिए एक्सेस वैल्यू या ग्रेटर देन 1.5 पीपीएम रिजल्ट इन डी क्लोराइज कोलोराइजन ऑफ तिथ कोल्ड मोटिंग ऑफ तिथ तिथ में मोटिंग होता है यानी इन आर अफेक्टेड नोट एडल्ट एडल्ट में यह इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है जनरली इन्फेंट जो बच्चे होते हैं उसमें देखने को मिलता है कि मोटिंग हो जाता है तीथ में अगर एक वन पॉइंट फाइव पी पी एम से ज़्यादा परजेंट वाला पानी को बच्चे को पिला देंगे तब ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ फ्लोराइड काउजेज डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स बोन का डिफॉर्मेशन भी हो जाता है अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन के साथ हुआ तो यानी बोन फ्लोरोसिस हो जाता है यानी इसका जो परमिशल लिमिट होता है ये वन टू वन पॉइंट फाइव पी पी एम तक होता है इससे कम ही होना चाहिए ज़्यादा ना ही होना चाहिए प्रजेंस ऑफ मरकरी इट इज़ हाईली टॉक्सिक्स एंड क्रिएट्स इफेक्ट ऑन लंग्स एंड किडनीज इसका जो परमिशल लिमिट होता है मरकरी का एकदम जीरो एकदम नील होना चाहिए या जीरो जीरो मैंने पॉइंट जीरो 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 वन एम जी पर लीटर होना चाहिए उसके बाद आता है डिजॉल्व गैसेस। सी एच फोर एच टू एस सी ओ टू सी एच फोर नोन एज फोर इट्स एक्सप्लोजन टेंडेंसी ये एक्सप्लोजन टेंडेंसी को करता है एच टू एस जो है ये बैड टेस्ट या ऑर्डर को प्रोवाइड करता है और सी ओ टू ये इंडिकेट करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी और बैड टेस्ट एंड वाटर विकम्स कोरोसिव जो है हो जाता है जो परमिशल लिमिट है इन सभी का वो नील यानी ना के बराबर होना चाहिए डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन घुला रहना इसका जो परमिशन लिमिट है फाइव टू टेन पी जो है लेकर चलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बी ओ डी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कम्प्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है ना बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है कहते हैं इसका जो परमिशुअल लिमिट होता है या वैल्यू होता है वो भी नील यानी ना के बराबर होता है नाइट्रोजन कंटेंट इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर नाइट्रोजन का जो प्रेजेंस होता है पानी में ये रिप्रेजेंट करता है पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है या नहीं है अगर नाइट्रोजन कंटेंट है तो रहेगा नाइट्रोजन कंटेंट प्रजेंट इन द फॉर्म ऑफ कई सारे फॉर्म में जो है प्रजेंट होते हैं जैसे फ्री अमोनिया एन एच थ्री ऑर्गेनिक अमोनिया एन एच टू नाइट्रेट्स NO2, टू नाइट नाइट्राइट्स NO2, टू नाइट्रेट्स NO3, थ्री फ्री अमोनिया जो फ्री अमोनिया है ये रिप्रेजेंट करता है रिसेंट पॉल्यूशंस ऑफ वाटर कि भाई पानी जो है रिसेंटली पॉल्यूट हुआ है इट इज मेजर्ड बाय सिंपल बॉइलिंग ऑफ वाटर पानी को बॉइल करके इसको मेजर किया जाता है एंड अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड इज मेजर जो भी अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस रिलीज होता है उसको मेजर कर लेते हैं इसका जो परमिसिबल लिमिट होता है 0.15 mg पर लीटर और रिजेक्शन भी जो है 1.5 mg पर लीटर यानी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कम रहेगा काम चल सकता है ऑर्गेनिक अमोनिया इट इज़ मेजर्ड बाय री बॉइलिंग ऑलरेडी बॉइल्ड वाटर है ना जो पानी को बॉइल कर चुके हैं उसको दोबारा बॉइल करेंगे आफ्टर एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट और उसमें पोटेशियम पर मैगनेट को भी ऐड करने के बाद रिबॉयल करेंगे और दिस कम्बिनेसन ऑफ फ्री अमोनिया एंड ऑर्गेनिक अमोनिया इज़ नोन एज़ कैजेडल अमोनिया कैजेडल अमोनिया जो है के नाम से कहा जाता है जाना जाता है एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर अमोनिया या कैजेडल अमोनिया के लिए पॉइंट थ्री एम पर लीटर होता है नाइट्राइट्स नाइट्राइट्स जो है ये इंडिकेट करता है ओल्ड पॉल्यूशंस को विद पार्शियल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ये मेज़र किया जाता है यानी इट मेजर्ड बाई कलर मैचिंग टेक्निक की मदद से इसको जो है मेजर किया जाता है नाइट्राइट्स को इसका एक्सेप्टेबल लिमिट जो होता है जीरो एम जी पर लीटर या नील ना के बराबर होता है ड्यू टू प्रजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं नाइट्रेट्स ये जो है ओल्ड पॉल्यूशंस को इंडिकेट करता है जो कि फुली डिकम्पोज रिएक्शंस होता है होता है और ये मेजर किया जाता है कलर मैचिंग टेक्निक की मदद से एक्सेप्टेबल लिमिट्स की बात किया जाए तो 45 ppm यानी एम परमिशल लिमिट होता है काउज ऑफ रिजेक्शन यानी 45 पी से ज़्यादा हुआ तो भाई खतरनाक है हानिकारक है उससे कम है तो काम चल सकता है अपना ठीक ठाक हो सकता है ओके हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स कैन प्रोड्यूस ब्लू बेबी डिजीज़ अगर हाई कंसंट्रेशन नाइट्रेट्स का है तो ब्लू बेबी डिजीज़ जो है होता है किसमें इन्फेंट्स में बच्चों में ड्यू टू रिएक्शन ऑफ नाइट्रेट्स विद हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और हीमोग्लो विनेमिया कंपाउंड्स इज़ फॉर्म्ड और ये कंपाउंड्स को जो है फॉर्म करता है उसके बाद अगला यहाँ पे बात करेंगे बायो लॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स यानी वाटर का क्वालिटी जो है उसको चेक करने के लिए बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में तो ये जो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स है ये रिप्रेजेंट करता है बायोलॉजिकल रिएक्शंस को जो कि पानी के अंदर होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तीन तरीके से डिवाइड किए जाते हैं पहला होता है आपका एरोबिक एरोबिक के अंदर क्या होता है कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडरगोज रिएक्शन ये रिएक्शन करता है इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के प्रजेंस में एंड रिएक्शन इज कोल्ड एरोबिक रिएक्शन और इस तरीके का रिएक्शन जो है एरोबिक रिएक्शन कहलाता है वही अगर बात किया जाए एन एरोबिक की तो एन एरोबिक जो है ये वैसा ऑर्गेनिज़्म होता है जो रिएक्शन तो करता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको ऑक्सीजन चाहिए ही यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है है ना तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म एन एरोबिक रिएक्शन के अंतर्गत जाते हैं उसके बाद आता है फैकुलेटेटिव दीज ऑर्गेनिज्म अंडरगोज रिएक्शन आइदर प्रजेंस और अब ऑफ ऑक्सीजन या तो भाई ऑक्सीजन मिल गया तो भी अच्छी बात है नहीं मिला तो भी अच्छी बात है तो उसको फैकुलटेटिव ऑर्गेनिज्म कहा जाता है पैथोजिन्स पैथोजिन्स द डिजीज काउजिंग ऑफ माइक्रो ऑर्मिज वैसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को काउज करता है मतलब डिजीज़ पैदा करता है तो उसको पैथोजेंस कहा जाता है डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ पैथोजेंस नोट पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू देयर अनस्टेबल नेचर क्योंकि वो अस्टेबल नेचर्स में नहीं होते हैं पैथोजेंस आर मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म है ना कोलीफॉर्म्स के फॉर्म में जो है मेज मतलब मेजर किया जाता है कोलीफॉम फॉर्म जो है दीज आर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर फाउंड इन ब्लड ये ब्लड के अंदर होता है दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज एक्ट एज प्लेटफॉर्म फॉर द ग्रोथ ऑफ पैथोज़न और ये जो प्लेटफॉर्म है ये पैथोजिन को ग्रो करवाने के लिए होता है ये दो तरीके का कॉलीज होता है एक बी कॉलीज जिसको बैक्टीरियम कॉलीज कहा जाता है और एक होता है ई e कॉलेज स्टेरिया कोली कहा जाता है मेजरमेंट की बात किया जाए कोलीज का तो पहला है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक की मदद से यानी एम एफ टी की मदद से मेज़र किया जाता है इट कंसिस्ट ऑफ अ फ़िल्टर पेपर ये फिल्टर पेपर की मदद से पे कंसिस्ट होता है हैविंग पोर साइज वाइड रेशियो जो है एक सौ पचास यू होता है एंड दिस पेपर इज पास थ्रू ईस्टर सॉल्यूशन और ये ईस्टर सॉल्यूशन के थ्रू पास होता है वेन वाटर सैंपल इज पास जब वाटर सैंपल जो था वो पास हो जाता है ये जो फिल्टर पेपर लिए उसके थ्रू तो फॉर्म्स जो है वो रिटेन कर जाते हैं इसके ऊपर और उसको जो है फिर हम लोग क्या करते हैं दिस पेपर को इनकूवेट करते हैं एट टेम्परेचर थर्टी फाइव तो टू थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस पे बीस से चौबीस घंटे के लिए और जैसे ही इनकूवेश हो जाता है तो जो नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म्स होते हैं उसको काउंट करते हैं किसकी मदद से माइक्रोस्कोप की मदद से और पता लगा पाते हैं कि कितना है और दूसरा है मोस्ट प्रोबेबल नंबर यानी एम पी एन टेस्ट इट मेजर्स द कॉलीफॉर्म्स डेंसिटी ये कॉलीफॉर्म के डेंसिटी को मेजर करता है और ये जो टेस्ट है तीन स्टेप में कंडक्ट किए जाते हैं पहला स्टेप है प्रे, प्रेसर, प्रेसिमिटिव टेस्ट है ना प्रेसमीटिव टेस्ट इट इंडिकेट्स द निगेटिव रिजल्ट फॉर द प्रजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म्स ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड के कारण से उसके बाद आता है कन्फर्म्ड टेस्ट दिस टेस्ट इज इंडिकेट द कन्फर्मेशन फॉर द प्रजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म है या नहीं उसका कन्फर्मेशन देता है और तीसरा स्टेप होता है कंप्लीटेड टेस्ट ये इंक्लीड ये इंडिकेट करता है कि भाई जो काउंट किए कॉलीफॉर्म का जो कि सैम्पल में प्रजेंट है वो कितना है उसको जो है बताता है इनकुवेशन पीरियड जो होता है चौबीस से अड़तालीस घंटे के लिए होता है इस कंडीशन में और इनकुवेशन जो टेम्परेचर्स होता है वो पैंतीस से सैतीस डिग्री सेल्सियस जो है लेकर चलते हैं उसके बाद तीसरा आपका आता है यहाँ पे कॉलीफॉर्म्स इंडेक्स टेस्ट सी आई टी इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ लैक्टोज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ कॉलीफॉर्म्स। कितना मिनिमम अमाउंट की रिक्वायर्ड है लैक्टोज़ की ताकि जो कॉलीफॉर्म्स है उसका ग्रोथ हो सके नोट पॉइंट ये है कि एम एफ टी टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है डिटेक्शन ऑफ कॉलीफॉर्म्स को वेरी वाइडली मैंने ज़्यादातर उसी का यूज़ करते हैं एंड दिस टेस्ट इज़ हाईली एक्यूरेट क्योंकि ये जो एम एफ़ टी टेस्ट है ये हाईली एक्यूरेट होता है इसलिए जो है इसका यूज़ करते हैं बाकी जो अदर टू जो मेथड्स हैं उसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है ओके बाकी इसी तरीके का और भी वीडियोस आपको जो है टाइम टू टाइम मिलता रहेगा बस चैनल से बने हैं तो बने रहिए अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास भी जो है ये जा सके पहुंच सके और वे लोग भी जो है इसका बेनिफिट ले सकें और डियर नोट्स की बात किया जाए तो इसका नोट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे वहाँ से जो है आप इसे प्राप्त कर सकते हैं अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट कीजिए बिल्कुल आपकी जो है हेल्प किया जाएगा ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे दिया गया है आपका वाटर क्वालिटीज़ क्रिटेरिया क्या दिया हुआ है वाटर क्वालिटी क्रिटेरिया बेस बेस्ट यूज कहाँ पे यूज़ किया जाता है क्लास ऑफ वाटर एंड उसका क्रिटेरिया क्या है उसके बारे में जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ओके तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है ओके ना तो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विदाउट कन्वेंसनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिस इन्फेक्शंस तो ये जो है ये क्लास ए के अंतर्गत आता है और ये तो इसमें जो टोटल कॉलीफॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनिज़्म वो एम पी एन हंड्रेड एम एल होता है सेल भी फिफ्टी और लेस है ना ये उस फिफ्टी या उससे लेस होता है पीएच वैल्यूज़ सिक्स पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट फ़ाइव होता है और डिजॉल्व ऑक्सीजन सिक्स एम जी पर लीटर या उससे ज़्यादा होता है एंड बी ओ डी इन फाइव डेज ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे टू एम जी पर लीटर या उससे कम होता है आउटडोर बाथिंग वाटर की बात किया जाए जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं ये क्लास टू में आते हैं टोटल क्वालिफॉम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एम पी एन बाई हंड्रेड एम एल सेल भी 500 और लेस होता है पीएच वैल्यू 6.5 पॉइंट फाइव टू 8.5 होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है 5 एम पर लीटर या मोर होता है एंड बी ओ डी फॉर फाइव डेज ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे थ्री एम पर लीटर या उससे कम होता है वही अगर ड्रिंकिंग वाटर और सोर्स की बात किया जाए आफ्टर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट एंड डिसइंफेक्शन जो कि क्लास सी में आता है इसमें जो कॉलीफॉर्म्स होते हैं टोटल और कॉलीफॉर्म्स फॉर्म्स ऑर्गेनिज एम पी एन हंड्रेड एम एल सेल बी फाइव थाउजेंड या उससे कम पी एच वैल्यू सिक्स टू नाइन डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है फोर एम जी पर लीटर या उससे ज़्यादा एंड बी ओ डी फाइव डेज ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे थ्री एम जी पर लीटर या उससे कम होता है वही अगर बात किया जाए प्रोपगेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ के लिए जो वाटर का यूज होता है वो क्लास डी का होता है इसमें पी एच वैल्यूज जो है सिक्स पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट फाइव होता है डिजॉल ऑक्सीजन जो है फोर एम जी पर लीटर या उससे ज़्यादा फ्री अमोनिया इसमें जो है वन पॉइंट टू एम जी पर लीटर या उससे कम होता है इरीगेशन के लिए या इंडस्ट्रियल कूलिंग के लिए कंट्रोल वेस्ट डिस्पोजल के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं ये ई e क्लास का होता है और इसमें जो पीएच वैल्यूज होता है सिक्स टू एट पॉइंट फाइव होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट ट्वेंटी फाइव माइक्रो मोज़ पर सेंटीमीटर होता है जो कि मैक्सिमम टू ट्वेंटी फाइव होते हैं सोडियम का जो एब्जॉर्बस होता है हमारा यहाँ पे रेशियो वो मैक्सिमम ट्वेंटी सिक्स होता है अनबोर जो होता है मैक्सिमम टू एम जी पर लीटर होते हैं तो आज के लिए इस वीडियोज़ को यहीं पे रखते हैं आज के लिए इतना ही जय हिंद